Hello guys, I hope you all are fine, sitting at home and doing your civil services preparation very well. So today we are going to discuss an important topics. And जिसमें पहला है one health concept. It's a very important concept for prelims, mains, as well as for interview. And second important topic is biodiesel from used cooking oil. It's an amazing initiative taken by our government of India to not waste even a single drop of used cooking oil and convert it into biodiesel. और biodiesel से क्या होगा? Diesel engines चलेंगे. तो आइए सबसे पहले देखते हैं one health concept क्या है. तो इसका बहुत simple सा एक aim है, वो है to attain optimal health for people, animals and environment. क्या जरूरत पड़ी one health concept लाने की? दोस्तों हमने recently देखा कि viruses outbreak बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कि इपा वायरस, एबोला वायरस, SARS, MERS, एवियन इन्फ्लुएंजा और recently COVID-19 एक disease आई जो कि एक नया strain है कोरोना वायरस का. तो ये डिजीज एनिमल्स में थी, एनिमल्स से ट्रांसफर हुई ह्यूमंस में और इससे हमारा पूरा वातावरण जो है वो हर पूरे वातावरण में प्रॉब्लम आई. तो इंटरकनेक्टेडनेस है एनिमल्स, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट में और इन तीनों को स्टडी करके, उन तीनों के प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करके एक अप्रोच निकालना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकालना जिनसे इन तीनों की हेल्थ को सुधारा जा सके. तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट. तो इसका जो मेन मोटिव है इसको लाने का वो ये है कि दिस फोर्स अस टू एक्नॉलेज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट एंड दिस अप्रोच रेफर टू एज वन हेल्थ. तो कोरोना वायरस अभी एक पेंडेमिक जो है, जो हमारी अर्थ अभी सफर कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे. कोरोना वायरस क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो कि डिजीज क्रिएट करता है एनिमल्स में और बर्ड्स में. और अभी ये जानना बड़ा जरूरी है कि अभी ये वायरस डेडली क्यों है. डेडली इसलिए है क्योंकि व्हेन अ वायरस इज वाइडली सर्कुलेटिंग इन अ पॉपुलेशन एंड कॉजिंग मेनी इन्फेक्शंस, द लाइकलीहुड ऑफ द वायरस म्यूटेटिंग इंक्रीजेस. हमने ये देखा कि बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग स्ट्रेन हैं, जैसे यूके स्ट्रेन, इंडियन स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन. तो अब वायरस किसी कंट्री में जा रहा है, वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें म्यूटेशन आ रही है और स्प्रेड होता है, रेप्लिकेट होता है, उसमें म्यूटेशन आती हैं. फिर मुश्किल किसमें आ जाती है? वैक्सीन प्रोडक्शन में, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रेन नहीं होता जिसको मद्देनजर में रखते हुए वैक्सीन बनाई जा सके. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो तो अभी वन हेल्थ कॉन्सेप्ट फेस कर रहे हैं. इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है मल्टीपल डिसिप्लिन्स का जो कि लोकली, ग्लोबली और नेशनली काम कर रहे हैं टू अटेन ऑप्टिमल हेल्थ फॉर पीपल, एनिमल एंड अवर एनवायरमेंट. और ये किसने बताया है? सब वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स. ये जो मॉडल है ये फैसिलिटेट करता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इन डिजीज कंट्रोल, सो एज टू कंट्रोल एमर्जिंग एंड एग्जिस्टिंग ज़ूनोटिक थ्रेट्स. ज़ूनोटिक थ्रेट्स वो होते हैं जो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट्स जो एनिमल्स और बर्ड्स में होते हैं, फिर वो ह्यूमंस में आते हैं और फिर ह्यूमंस से वो ह्यूमंस के बीच में सर्कुलेट हो जाते हैं. तो इंडिया का वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिया ने जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसका ब्लूप्रिंट ड्राइव किया है ट्राइपार्टाइट प्लस अलायंस कंप्राइजिंग एफएओ एंड पार्टीज, यूएनईपी एंड पार्टीज एंड वर्ल्ड बैंक. तो इन सब से मिलके, इन सब को जो इन सब ने जो बनाया था, इंडिया ने उसी के आधार पे अपना ब्लूप्रिंट बनाया है जिसका नाम है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट फॉर इंडिया. तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब क्या जरूरी है. साइंटिस्ट ने 1.7 मिलियन वायरसेस, 17 लाख वायरसेस जो हैं वो हमारे वाइल्ड लाइफ में सर्कुलेट हो रहे हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है. And many of them are likely to be zoonotic. इसका मतलब ये है कि इनका अगर हमने timely detect नहीं किया तो और भी आने वाले समय पे ऐसे pandemics होंगे. तो 17 लाख viruses को study करने के लिए, उनका impact जानने के लिए और उनसे कौन कौन से pandemics आ सकेंगे, इसको study करने के लिए हमारा One Health
कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इंडिया का क्या विजन है इसको लेके, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम को लेके, ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। तो इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था 1980s में नेशनल स्टैंडिंग कमिटी ऑन जोनोसिस, ठीक है, और इस साल क्योंकि इस साल पेंडेमिक आया तो इंडिया को इसकी ज्यादा नीड लगी, तो इसलिए इंडिया एक सेंटर बना रहा है नागपुर में जिसका नाम है सेंटर फॉर वन हेल्थ। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं टू मिटिगेट द प्रेवलेंस ऑफ एनिमल डिजीजेस सिंस 2015, जिसमें वो फंडिंग भी प्रोवाइड करता है स्टेट्स को 60-40 एंड 90-10 के आधार पे, और यूनियन टेरिटरी को इसमें 100% फंडिंग मिलती है। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके तहत 13,000 करोड़ रुपए जो है वो सेंक्शन हुए हैं फॉर फुट एंड माउथ डिजीजेस, इन एडिशन जो कि एक वायरल डिजीज है, और इन एडिशन ये जो DADH है ये एक बहुत ही जल्द एक वन हेल्थ यूनिट खोलेगा मिनिस्ट्री के अंदर, जिसके तहत डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को डिफरेंट डिफरेंट आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट बॉडीज को सजेशन दी जाएगी, एड दी जाएगी, काम करने के लिए सलाह दी जाएगी, इससे हमारा वन हेल्थ कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, व्हाट नीड्स टू बी डन, ऐसी चीज हमेशा हमें मेंस के एग्जाम में लिखनी चाहिए। तो कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग एनिमल हेल्थ एंड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम, एग्जाम्पल द इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ एंड द नेशनल एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम। दूसरा है डेवलप बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस फॉर इनफॉर्मल मार्केट एंड स्लॉटर हाउसेस ऑपरेशन, उनकी प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शंस, उनके डिजीज असेसमेंट्स, ये सब हमें बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे, इवन कि हमें विलेज लेवल पे भी इनको चेक करना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइंस है अगर हम इसको मेंस में लिखेंगे तो हमें पॉसिबिलिटी अच्छे मार्क्स लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो अब ये जो डायग्राम है अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमंस का कांटेक्ट हो रहा है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, एक हेल्दी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करना इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसके भी बारे में स्टडी करना, इन दोनों के हेल्थ इश्यूज को लेके कोलैबोरेशन लाना, और फाइनली जो इसके एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका अच्छे से उसको चेक करना। तो अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, जैसे कि जूनोटिक डिजीज क्या है। जूनोटिक डिजीज आर डिजीज कॉज्ड बाय इंफेक्शियस एजेंट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। दूसरी है वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे कि मॉस्किटो बाइट, ये ट्रांसमिट होती है थ्रू अ बाइट ऑफ एन एंथ्रोपॉड, एग्जाम्पल इंसेक्टिक मॉस्किटो एक्सेट्रा, टू ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है, एक वायरस से होता है, दैट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन पीपल थ्रू स्नीजिंग, कफ एक्सेट्रा, सो ओकेजनली इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जितनी भी डिजीजेस हैं ये वायरल डिजीजेस हैं, ये एनिमल्स से ह्यूमन में आ रही हैं, और फिर इससे पूरा एनवायरमेंट हमारा इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो जब हम इन तीनों को स्टडी कर लेंगे तो वो हमारा वन हेल्थ कहलाएगा। कि हमारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है अगर हम इसको रीफ्राइंग में यूज ना करें और हम इसका बायोडीजल बना दें तो एक ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होगा हमारे वर्ल्ड के लिए और हमारी कंट्री के लिए। तो बायोडीजल जिस प्रोसेस से बनता है, जिस बायोकेमिकल प्रोसेस से बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रांस एस्टरीफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और ये न्यूज में क्यों था, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल। ओके, तो बायोडीजल है क्या? बायोडीजल एक फ्यूल है सिमिलर टू द कन्वेंशनल और फॉसिल डीजल, जो कि हम अपनी गाड़ियों में, हमने जनरेटर्स में डालते हैं, सिमिलरली एक वैसा ये फ्यूल है, लेकिन यह प्रोड्यूस होता है वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स और वेस्ट कुकिंग ऑयल्स से। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कार्बन न्यूट्रलिटी है। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है? कार्बन न्यूट्रलिटी होती है कि जितनी CO2 एक ऑयल सीड एब्जॉर्ब करता है फॉर जर्मिनेशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग कंबशन, वो उतनी ही रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में।
होता क्या है कि डीजल की जब कंबशन होती है हमारे डीजल इंजन में, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। इतनी एनर्जी उसको बनाने में कंज्यूम नहीं होती जितनी वो कंबशन में उसकी रिलीज होती है। लेकिन बायोडीजल के साथ ऐसा है नहीं। बायोडीजल कार्बन न्यूट्रलिटी पे बेस्ड है। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है? द ऑयल सीड्स एब्जॉर्ब्स द सेम अमाउंट ऑफ CO2 एज इट रिलीज्ड व्हेन द फ्यूल इज कंबस्टेड इन अ व्हीकल। तो नेट रिलीज क्या हुआ? जीरो। ऑल्सो बायोडीजल इज रैपिडली बायोडिग्रेडेबल एंड कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक। तो जो हमारा एयर पोल्यूशन है, जो टॉक्सिसिटी है हमारे पोल्यूटेंट्स में, जो NO2 या SO2 निकलता है, उसकी प्रॉब्लम भी हमें खत्म हो जाएगी। तो एफर्ट्स क्या है इसको लेके हमारी गवर्नमेंट के? टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल इनटू बायोडीजल। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इनिशिएट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोडीजल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। एक इंटरेस्ट उन्होंने बताया कि हर जगह से यूज्ड कुकिंग ऑयल को प्रोक्योर किया जाए सो दैट कि हम उसको बायोडीजल में बना सके। और इसको लेके जो OMCs, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को ये बोला कि अगर आप बायोडीजल बनाते हैं तो हम आपको पीरियोडिकली इंक्रीमेंट प्राइस देंगे 5 साल के लिए, और कई केसेस पे हम आपको गारंटी देंगे कि हम आपको एक फिक्स प्राइस देंगे 10 साल के लिए। जो कुछ प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेनर्स को, जो एंटरप्रेनर्स लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, जो एंटरप्रेनर्स स्पेसिफिकली इसी काम को लेके, इसी पे फोकस्ड है, उनकी टेक्नोलॉजी इस पे फोकस्ड है, उनके उनके इनोवेशन इस पे फोकस्ड है, उनको उन्होंने स्पेशल गारंटी देने के लिए एक प्रपोजल रखा। तो इंडियन ऑयल जो हमारी एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? इट इज कमिटेड टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस रिमार्केबल ड्राइव टू रिट्रीव द अनहेल्दी यूज्ड कुकिंग ऑयल एंड अशर इन अ रेवोल्यूशन थ्रू रंधन से ईंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंधन से ईंधन। और उन्होंने बोला कि टू ट्रेस इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल एंड इंश्योर इट्स कन्वर्जन इन टू बायोडीजल, देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ मोर एनर्जी सिक्योर, ग्रीनर एंड हेल्दियर इंडिया। ये वाली लाइन्स जो है आप ये मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। तो अब हम ये जान लें थोड़ा सा कि कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि बायो डीजल की तो बात हो रही है लेकिन ये बायोफ्यूल है क्या? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, विच मे बी लिविंग या डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोफ्यूल। तो सॉलिड जैसे हमारी वुड है, हमारा मैन्यूर है, हम इससे क्या करते हैं, हम इससे हमारा फ्यूल बनाते हैं। हम वुड्स को हम जला के, जैसे हम वुड जलाते हैं उससे हम लोग फ्यूल का काम लेते हैं। बायो एथेनॉल है लिक्विड के, बायो डीजल है जिसकी हमने अभी बात की, गैसेस में बायोगैस है। तो ये सारे जो हैं ये बायोफ्यूल्स हैं क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक मैटर है। अब बेनिफिट क्या है इसके? बायोफ्यूल जो है हमेशा लेस CO2 रिलीज करते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फ्यूल्स। और जब हम इसको ब्लेंड करें एग्जिस्टिंग फ्यूल्स के साथ तो इससे हम लोग CO2 एमिशंस पे काबू पा सकते हैं, स्पेशली इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो जो हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोडीजल की मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें कि जब हम इसको एक कन्वेंशनल फ्यूल के साथ यूज करेंगे, कन्वेंशनल डीजल के साथ जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो जो CO2 एमिशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है एटमॉस्फेयर में, वो कम हो जाएगी। तो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि बायोफ्यूल्स रिप्रेजेंट अराउंड 3% ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो इसके जब हम ये बात करेंगे तो अब प्रीलिम्स में तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, और इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप जब इस वीडियो को देखने के बाद अब आप एक बार जरूर टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन कौन से होते हैं, टू सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और प्रोसेसेस जैसे कि आपको बताया मैंने एस्टरीफिकेशन प्रोसेस जिसमें हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं फॉर ब्लेंडिंग टू प्रोड्यूस बायोडीजल। तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं ये जो आप जरूर पढ़िएगा, इनको आपको किसी भी क्रेडिबल वेबसाइट से मिल जाएगी। और हमारे YouTube चैनल जो कि 1PSC है, इसको प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम और भी अच्छे वीडियोज़ आपको प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू गाइज, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।